की बात, भारतीय उच्च आयोग पर हुए हमले का मुद्दा उठाया, कहा भारतीय विरोधी तत्वों पर एक्शन ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की। उन्होंने सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही पीएम ने ब्रिटेन में शरण लेकर रहने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इन सभी के प्रत्यर्पण की प्रोसेस तेज करने की मांग की। वहीं मोदी ने सुनक को सितंबर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए इनवाइट किया। इस पर सुनक ने G20 के भारत की अध्यक्षता के लिए भी ब्रिटेन के समर्थन को दोहराया। पीएम मोदी ने सुनक से कहा कि ब्रिटेन में इस समय कुछ भारत विरोधी तत्व खुलेआम कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो चिंताजनक है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके जवाब में सुनक ने आश्वासन दिया कि ब्रिटेन में भारत के दूतावासों की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि लंदन में भारतीय उच्च आयोग हमले को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने सुनक से भारत और यूके के आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की। दोनों के बीच भारत यूके रोड मैप 2030 पर लंबी बातचीत हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत के सरकारी खजाने को लूटकर ब्रिटेन में छिप गए हैं। ऐसे अपराधियों के जल्द से जल्द प्रत्यर्पण करें, ताकि उन्हें भारत के कानून के हिसाब से सजा दी जा सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।